शहीद आ रहा है, दोबारा वापस आ रहा है, शहीद दोबारा वापस आ रहा है। ये देखो अब हम पहुंच गए हैं जू के अंदर। ये है नैनीताल का जू। यहाँ की टिकट जो है पर हेड 100 रुपये है, पर हेड 100 रुपये टिकट है। अब इसके अंदर हम जाएंगे जू के अंदर, जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। अंदर जाके देखते हैं इसके अंदर क्या एक्टिविटी है और कैसे जानवर हैं, क्या दिल्ली वाले जू से ज़्यादा बेहतर है। ये जू में एंटर करते ही ये पहली मुर्गी का सीन ये देखो। ये कौन से टाइप की है? ये तीतर कहलाती है ना, ये तीतर कहलाती है। ये देसी मुर्गी खाली, ये खाली देसी मुर्गी है। ये मोर है? मोर नहीं है, ये कुछ और है। अब देखो अब आ गए लॉयन वाली जगह पे। यहाँ शेर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, ये टाइगर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, बंगाल से यहाँ टाइगर ये लाए गए हैं। जो नर टाइगर होते हैं उनकी जो लंबाई होती है वो तकरीबन 270 सेंटीमीटर होती है, और जो मादा होती हैं उनकी जो लंबाई है वो तकरीबन 240 सेंटीमीटर की होती है, जबकि नर जो हैं वो इससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं, तकरीबन 310 सेंटीमीटर के आसपास भी हो सकते हैं। तो देखिए आप सामने देख रहे हैं ना, ये किस तरीके से इतना बड़ा विशाल टाइगर जो है आपको नज़र आ रहा है। ये नैनीताल के ज़ू के अंदर, नैनीताल के चिड़ियाघर के अंदर है, जो वहाँ से बंगाल से लाकर यहाँ पर ज़ू के अंदर रखे गए हैं। और इतनी ऊंचाई पर सोचिए कि ज़ू बना हुआ है, उस ज़ू के अंदर किस तरीके से इनको लाया गया होगा यहाँ पर, और इनका ख्याल अच्छी तरीके से रखा जाता है। आप इनकी सेहत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी मोटे ताज़े और हेल्दी शेर यहाँ पर हैं, जो कि आपको दिल्ली वाले ज़ू के अंदर इस तरीके से हैवी शेर नहीं दिखाई देंगे, जो यहाँ पर बहुत ही हैवी शेर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो ये वही कैसा है, वाकई यार बहुत बड़ा है, रियल में देख के इतना बड़ा अच्छा लग रहा है। आजा, सवारी करने का मौका नहीं मिलेगा, हमें खा जाएगा। जादू की हरियाव सबको इसी मजा आ रहा है। नीचे से घूम के आएगा, देखिए नीचे से घूम के आएगा। यहाँ शहीद लॉन टाइगर, देखो टाइगर शेर खान, टाइगर वो आ गया ये तो शेर खान, वो आ गया। ये है असली मजे की अपने चिड़ियाघर के। अभी आएगा शहीद, देखो भालू। हम तो नेक्स्ट में दोस्तों हम आ चुके हैं भालू वाले कैबिन के अंदर। ये देख सकते हैं आप सामने
केबिन के अंदर अपनी गुफा के अंदर जो भालू बैठा हुआ है ये अभी असल में आराम कर रहा है, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये दो भालू का जोड़ा यहाँ पर छोड़ा गया है और जिस वक्त ये टहलते हैं बहुत ही बड़े विशाल भालू यहाँ पर छोड़ रखे हैं जो कि अपनी गुफा के अंदर अभी बैठे हुए हैं, इसलिए इसे इसका नज़ारा आप दूर से ही कर सकते हैं। ये नेचुरल पानी हीरो, इसको बच्चा है। चलो दूर देखते हैं। दूर देखते जो खाना खा रहा है ये। चलो रुक जा। चलो आगे बाहर को देखते हैं। आगे बाहर को। हाँ। ये देखो। आगे बाहर को देखो। बाबरी आगे बाहर को बहुत खुश हो। अच्छा ठीक है। आगे बाहर को। ठीक है। कितनी बड़ी है। डरा होलिया मत करो। अरे नहीं आएगा जाल। सर ये क्या है? ये हिरन का एक दूसरा रूप है। अभी आगे वाले का है। सिंह। अब आगे वाले का है। अभी दिखा रहा हूँ, एक एक करके देख ले। आगे वाले दोस्तों, ये है नैनीताल की वादियों का खूबसूरत नज़ारा जो कि मैं आपको ज़ू से, नैनीताल के ज़ू से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर घूमने का एक अलग ही मज़ा है जिसमें आप ज़ू देख के ऊपर से सारे नैनीताल का नज़ारा देख सकते हैं। कितनी हाइट पर ये ज़ू बना हुआ है जिसे देख कर आपको बहुत ही आनंद आने वाला है दोस्तों। दोस्तों अब हम जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं लेपर्ड की तरफ। देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि यहां पर लेपर्ड के 3-4 जोड़े रखे हुए हैं जो कि बहुत ही हैवी लेपर्ड यहां पर रखे हुए हैं। आपको नज़ारा दिखाई देगा, अभी सामने लेपर्ड घूमते हुए नज़र आएंगे। ये देखिए मेरे बिल्कुल सामने जो हैं वो दो जोड़े लेपर्ड के घूम रहे हैं। ये देखिए सामने ये रहे, ये शायद भूखे हैं, अपने खाने की तलाश के अंदर इधर उधर भटक रहे हैं। इस ज़ू के अंदर बहुत बड़ा एरिया दे रखा है जहाँ पर ये लेपर्ड घूम रहे हैं। आएगा ये भी बड़ा है काफी सारी। एक नजर व एक माथा बंगाल टाइगर। तो फाइनली अब इस व्लॉग का एंड कर रहे हैं। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।